अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एफडीज ब्लॉग्स में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुमरा में, और मुमरा में एक इलाका है जिसका नाम है एमएम वैली में एक रेस्टोरेंट खुला है हाल ही फ़िलहाल में, जिसका नाम है मेज़बान रेस्टोरेंट। और एमएम वैली के जो किंग है, तो ये दोनों शख्सियात ने मिलकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में सहरी का इंतज़ाम किया हुआ है, जो कि पूरा जो होल मंथ है, मतलब रमज़ान का जो पूरा महीना रहता है, पूरे महीने में लोगों को ये फ्री की सहरी मिलेगी, मतलब फ्री सहरी करने का मौका मिलेगा। ये जो रेस्टोरेंट है वो अभी मुश्किल से 3 महीना ही हुआ है खुल के। इसकी ओपनिंग में भी हम लोग गए थे, और इन लोगों ने मुमरा के लिए, मुमरा मतलब मुमरा वासियों के लिए एक तोहफे के रूप में दिया हुआ है, जो कि सहरी है, पूरे रमज़ान होने वाली है। और यहाँ पर बहुत से लोग आते भी है सहरी करने के, सुबह सुबह में, मतलब जो सहरी का टाइम होता है 2:30 बजे से लेकर अजान तक के, जो सुबह में सहरी का जो वक्त होता है, तो तब तक ये सहरी चलती है। हर एक इंसान के लिए मुफ्त है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो। अमीर ये नहीं समझे कि सिर्फ अमीरों के लिए या गरीब ये नहीं समझे कि वो सिर्फ अमीरों के लिए, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, सबके लिए वहाँ पर खुला हुआ है। वैसे भी हमारे मज़हब इस्लाम में किसी को खाना खिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी की खिदमत करना बहुत ही सवाब का काम माना जाता है, और रमज़ान में भी खास करके सहरी का और अफ्तारी का, मतलब सहरी करवाना और अफ्तारी करवाना, ये बहुत ही एक अहम बात रखती है और बहुत ही सवाब का काम है इसमें। तो अभी सहरी को तो वक्त है, और अभी के बजे है 9:30 और सहरी होती है 2:30 बजे, लेकिन फिर भी मैं सोचा क्यों ना अभी आपको लेकर जाकर वहाँ पर रेस्टोरेंट दिखा दूँ। ये बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी आपको रेस्टोरेंट की तरफ लेके चलना चाहता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर सहरी का क्या सेटअप हो रखा है। हालांकि अभी सहरी को टाइम है 2:30 बजे स्टार्ट होती है, फजर की अजान तक का वो सहरी मतलब चलती है। और मैंने यहाँ तक सुना हो कि उस जगह पर, मतलब उस रेस्टोरेंट के पास रोज़ नई नई डिशेस मतलब देते हैं, जैसे एक जैसा अभी कीमा पाव हो गया, या फिर अगले दिन कोई और डिश होगी, उसके अगले दिन कोई और डिश होगी। तो मतलब ये अभी आज का 20वां रोज़ा है, तो ये कम से कम पिछले 19 रोज़े से चलता हुआ आ रहा है, और आज का 20वां रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको रेस्टोरेंट की तरफ लेके चलना चाहता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सामने, ये है मेज़बान रेस्टोरेंट, मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट है, और इन्हें एलबैक के साथ इन लोगों ने टाई अप किया हुआ है। और ये जो यहाँ पे आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये यहाँ पर मालपुआ और फिरने का इंतजाम किया, हालांकि अभी फिलहाल सारा चीज़ें बंद है। और ये रेस्टोरेंट पूरा बड़ा सा रेस्टोरेंट है मुमरा में, सिर्फ खाली एक ही रेस्टोरेंट है जो कि अलबैक के साथ इन लोगों ने टाई अप किया हुआ है। और अभी तो जैसा कि मैं बताया कि अभी सहरी के लिए अभी टाइम है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो आप सामने की तरफ इंतज़ाम देख सकते हैं, ये पूरा जो ये सेटअप देख रहे हैं आप, पूरा ये पूरा रमज़ान जो सहरी का जो सेटअप है, जो सहरी का इंतज़ाम है, वो यहाँ पर इन लोग बैठ के खिलाते हैं पूरा रेस्टोरेंट के सामने। तो ये यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था इतने देर से, कि यहाँ पर मुमरा में सहरी के लिए मतलब ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पर। और साथ ही साथ जगह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है, और एक वक्त में बहुत सारे जन यहाँ पर आके बैठ के खा सकते हैं आराम से। और ये पूरा सेटअप है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें लेबनीज़ है, मुगलाई है, टर्किश है और चाइनीज़ है, मतलब ये मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट है। और साथ में साथ ही साथ वहाँ पर सामने अलबैक जो बाहर का जो ब्रांड है, स्टार्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ये बाहर का अरबी ब्रांड है, तो इन लोगों ने इसके साथ में टाई अप किया हुआ है और खुला हुआ है। अभी इनके और भी रेस्टोरेंट्स खुलने वाले हैं यहाँ पर। और जी, जो यहाँ के जो एमएम वैली के जो किंग कहे जाते हैं, वो काफ़ी दिलदार है, जो मुमरा वासियों के लिए इन लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से दिया हुआ है, कि मतलब यहाँ पर सहरी आकर कर सकते हैं आप लोग। मुमरा का ये वाहिद रेस्टोरेंट है जो के मुमरा वासियों को सहरी करने का मौका फराहम कर रहा है, वरना और भी मुमरा में दूसरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिन लोगों ने कभी मतलब इतना बड़ा इंतज़ाम करके नहीं दिया है मुमरा वासियों को। और अगर कुछ किया भी है तो मतलब खाली एक दिन की, मतलब बड़े रोज़े के टाइम पे ही अफ्तारी करवा देते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग मेज़बान रेस्टोरेंट, और जो यहाँ पर जो सहरी का जो इंतज़ाम किया है मुमरा वासियों के लिए, उस पर एंड में बस मैं यही एक और बात एड ऑन करना चाहूँगा इस चीज़ में, कि मुमरा सी ये सिर्फ मुमरा वासियों के लिए नहीं है, मुमरा के अलावा जो यहाँ पर जो सील फाटा है और जो कल्याण फाटा है और जो अतराफ का जो इलाका है, ये सभी लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में सहरी का इंतज़ाम किया गया है।
आइए, अभी भी 10 दिन बचे हुए, आइए और अपने घर परिवार को भी साथ में ले आइए और यहाँ पर सैरी का आप लुत्फ उठाइए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।